आप लोग देखिए जे जल्दी कैसे पेन धोता है। तो मेरे पास एक गाड़ी आया था तो इसको आज जल्दी चाहिए, तो इसमें हम लोग फूके पैमान नहीं मारा तो शुरू पुट्टी लगा के रेडी किया। तो देखिए जगह जगह में पुट्टी लगा के रेडी किया, तो इसको अभी कैसे कम्प्लीट करें, एक्रोबे स्कालर कैसे कम्प्लीट होगा उसका पूरा प्रोसेस देखिए। सबसे पहले आप लोग टेपिंग कर लीजिए अच्छा से, जैसा करके मैंने टेपिंग किया है, आप लोग भी अच्छा से टेपिंग कीजिए। तो देखिए ये 4 इंची टेपिंग है, तो टेपिंग हर जगह में आप लोगों को अच्छा से बैठना पड़ेगा, कोई जगह पे छूटना नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने टेपिंग बैठाया है, आप लोग भी टेपिंग को अच्छा से बैठाइए। तो देखिए पहले टेपिंग का काम होगा, टेपिंग का काम पहले आप लोग जल्दी से कर लीजिए। देखिए तो अच्छा से हम लोग टेपिंग किया है, तो देखिए हर जगह में हम लोग टेपिंग करेंगे। तो देखिए तो पहले टेपिंग होने दीजिए, तो टेपिंग होने के बाद इसमें हम लोग रैप थ्रू पाइमर यूज करेंगे। कौन सा पाइमर? एशियन पीवीजी का रैप थ्रू पाइमर 1086 एक पाइमर होता है रैप थ्रू एस्प्रे वाला, तो एस्प्रे पाइमर हम लोग यूज करेंगे इसमें। तो देखिए तो हर जगह में हम लोग यूज करेंगे। देखिए तो देखिए सब जगह में हम लोग अच्छा से टेपिंग कर रहे हैं अभी, क्योंकि कोई जगह पे छूटना नहीं है, छूटने से वहाँ पे कलर चला जाएगा, कलर जाने से हम लोगों से फिर दूसरा बार खटना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग। तो देखिए सब जगह में पुट्टी है तीनों जगह में। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको क्लीन करेंगे अच्छा से। देखिए ये है 16 स्पीड से अच्छा से क्लीन कर लीजिए आप लोग। और 1086 जो रात्रु पैमार है वो नॉन सेंडिंग पैमार है, उसको आप वो पैमार आप लोग मारिए, कोई सेंडिंग नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट कलर होगा। तो कैसे होगा वो देखिए, पहले आप लोग पहले हम लोगों को 16 स्पीड से पूरा डोर को अच्छा से क्लीन कीजिए, जैसे मैंने किया है आप लोग भी कीजिए। तो देखिए सब जगह में अच्छे से क्लीन किया, अभी क्लीन मेरा कम्प्लीट है। तो अभी क्या होगा, अभी होगा यहाँ पे रात्रु पैमार, देखिए 9086 एशियन पीवीजी का भी। तो देखिए सबसे पहले जहाँ पे पुट्टी है वहाँ पे हम लोग स्प्रे करेंगे। देखिए सब जगह में स्प्रे मार दिया पैमार। तो आप लोग ये पैमार आप लोगों का जहाँ पे एशियन पीवीजी का डीलर है वहाँ पे मिल जाएगा स्प्रे पैमार। तो देखिए फॉलो कीजिए। तो अभी क्या है, मेरा स्प्रे पैमार का काम हो गया है, अपना ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट छोड़ दीजिए, 5 मिनट में पैमार ड्राई हो जाएगा। तो 5 मिनट के बाद आप लोग इस पर कलर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो देखिए हो गया मेरा पैमार। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे कलर एप्लीकेशन करेंगे, थोड़ा टैग पैड लीजिए, टैग पैड देखिए यार देखिए थोड़ा क्लीन कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पैमार जहाँ पे पैमार है वहाँ पे पैमार यूज करेंगे, कलर मारेंगे। देखिए जहाँ पे पैमार है वहाँ पे कलर मारिए सबसे पहले। तो कलर देख के मारिएगा आप लोग, कोई जगह पे कलर छूटना नहीं चाहिए। तो जे जैसा मैं इसमें कलर यूज किया हूँ तो आप लोग भी ऐसा यूज कीजिए, इसमें डायर है इसमें ईयर आएगा वो एक्रोबेस कलर आराम से सूख जाएगा। जो देखिए इसमें डायर से जो ईयर आ रहा है वो ईयर से ये ड्राई हो रहा है, तो एक्रोबेस के लिए आप लोगों को स्मार्ट डायर जरूरी है। तो अभी सेकेंड कोट मार रहा है हम लोग, तो देखिए ये सेकेंड कोट है, इसमें हम लोग फुल डोर को एक बार कलर पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए फुल डोर को, तो देखिए फुल डोर में हम लोग कलर एप्लीकेशन किया है। देखिए तो अभी क्या करेंगे, अभी के लिए ये फुल डोर कलर हुआ है। देखिए तो देखिए आप लोग, तो अभी ये कॉन्डल कोट थोड़ा आप लोग दूर से मारिए, नजदीक से मत मारिए, थोड़ा दूर से मारिए। तो देखिए कॉन्डल कोट हो गया। तो कॉन्डल कोट होने के बाद थोड़ा ड्राई होने के लिए टाइम दीजिए, इसके बाद होगा आप लोगों का क्लियर का प्रोसेस, कि गाड़ी हम लोगों को आज ही छोड़ना है। तो देखिए क्लियर क्या करेंगे आप लोग, पहले आप लोग साइड पे मार लीजिए। देखिए ये भी एशियन पीवीजी का क्लियर है, 6802 क्लियर है, इसमें हटना जाएगा आप लोगों का 6863 हटना जाएगा। तो देखिए फॉलो कीजिए, जैसा करके
मैं जैसे करके क्लियर मार रहा हूँ टू कोट में, तो आप लोगों को टू कोट मारिए क्लियर। तो देखिए ये फाइनल क्लियर है, तो मेरा फाइनल क्लियर हो रहा है अभी। तो आप लोग देखिए फाइनल क्लियर, आप लोगों को एकदम मालूम नहीं चलेगा जो कलर इसमें कलर हुआ है। तो छाटा का गान है मेरा पास, तो देखिए तो मेरा क्लियर कंप्लीट है। तो देखिए मेरा क्लियर कंप्लीट है। तो जैसे कि मैंने क्लियर मारा है, आप लोग भी मारिए। आप लोगों को कोई डाउट लगता है जो मेरा पास क्लियर कम हुआ है, तो आप लोग दूसरा बार क्लियर मार सकता है। तो देखिए मेरा क्लियर, देखिए एकदम फाइनल है, एकदम नया जैसा लग रहा है। तो प्लीज़ जैसे करके मैंने किया है तो आप लोग भी कीजिएगा। तो देखिए तो आप लोगों को मेरा प्रोसेस कैसा लगा वो कमेंट में बताइए। आप लोगों को मेरा प्रोसेस अच्छा लगा तो मेरे चैनल पर प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो देखिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।